दोस्तों आज मैं आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प की वन ऑफ द बेस्ट बाइक एक्सट्रीम 160R की और एक कलर वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस बाइक की स्पोर्ट्स रेड एंड वाइब्रेंट ब्लू कलर आपको दिखाया था और आज मैं आपको पर्ल सिल्वर व्हाइट कलर दिखा रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ ऐसे फीचर्स के साथ इस बाइक को लॉन्च किया है जिससे हीरो एक्सट्रीम 160R इस सेगमेंट का एक बहुत ही अच्छा चॉइस बन गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बाइक की एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखकर कमेंट में बताएं इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द बाइकर्स गाइड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अमित। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर द बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये बाइक दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है सिंगल डिस्क वेरिएंट और दूसरा है डबल डिस्क वेरिएंट। अभी मैं आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट दिखा रहा हूँ। कोलकाता में इस बाइक के सिंगल डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,03,300 रुपीज और डबल डिस्क वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,06,300 रुपीज। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिद्धि हीरो आंदूर में। अगर आप हावड़ा या फिर कोलकाता से हैं तो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक का इंजन को लेकर बात कर लेते हैं। ये स्ट्रीट ट्यून्ड 163cc एयर कूल्ड 2 वाल्व सिंगल सिलेंडर OAC इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर है 11.2 किलोवाट और 15 bhp एट 8,500 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क है 14 Nm एट 6,500 rpm। दोस्तों ये इंजन बिल्कुल नया इंजन है और 2 वाल्व इंजन सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर एंड ज्यादा टॉर्क आपको इसी बाइक में मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में 14 सेंसर वाला एक्सेंस FI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस बाइक में 1 डाउन 4 अप पैटर्न वाला 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। इसके अलावा ऑटो सेल टेक्नोलॉजी एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी इस बाइक में मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस बाइक का एग्जॉस्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैटालाइट कन्वर्टर भी दिया गया है। दोस्तों ये बाइक 4.7 सेकंड में 0 टू 60 स्पीड अचीव कर सकता है और अराउंड 45 टू 50 kmpl माइलेज इस बाइक में आपको मिल सकता है अगर आप इस बाइक को डिसेंटली चलाएंगे तो। ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ देखें तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बाइक सिंगल डिस्क एंड ड्यूअल डिस्क दोनों वेरिएंट में ही अवेलेबल है। अभी आप सिंगल डिस्क वेरिएंट को देख रहे हैं। इस बाइक का फ्रंट व्हील में 276 mm डायमीटर वाला पेडल डिस्क ब्रेक मिलेगा और ये डिस्क ब्रेक इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट डिस्क ब्रेक है। इस बाइक का रियर व्हील में 130 mm ड्रम ब्रेक यहाँ पे आपको मिलेगा। फ्रेम एंड सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में रिजिड डायमंड फ्रेम का यूज किया गया है और रियर साइड में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म यहाँ पे आपको मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट साइड में एंटी फ्रिक्शन बूस्ट वाला 37 mm डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगा और लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते जो येलो रिफ्लेक्टर दिया जाना मैंडेटरी है उसे यहाँ सस्पेंशन की साइड में लगाया गया है। रियर सस्पेंशन की तरफ देखें तो इस बाइक का रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको मिलेगा। दोस्तों इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm। इस बाइक का व्हील बेस है 1327 mm। इस बाइक का सीट हाइट है 790 mm एंड कार वेट है 138.5 kg। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक का लुक्स को लेकर। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से पहली बार ऐसा एग्रेसिव लुक्स वाला बाइक इस पर मार्केट में आया है। सामने से देखे या फिर साइड से ये बाइक हर तरफ से एक मस्कुलर लुक्स प्रेजेंट करता है। सामने की तरफ से देखे तो एग्रेसिव हेडलाइट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर में यहाँ पे हीरो का 3D एम्ब्लेम दिया गया है। इस बाइक में इस सेगमेंट का सबसे टॉप क्लास फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि इस बाइक का DRL भी LED है। इस बाइक में फुल्ली LED टर्न इंडिकेटर सबको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको डिफॉल्ट हैजर्ड फीचर्स मिलेगा जिससे चारों इंडिकेटर को आप एक साथ जला सकेंगे। फ्रंट मडगार्ड की तरफ देखें तो बॉडी कलर जैसे ही कलर यहाँ पे मिलेगा और इसकी साइड में यहाँ मैट फिनिश डिजाइन भी आप देख पाएंगे। इस बाइक में 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलेगा। इस टैंक में व्हाइट एंड ग्रे कलर का यूज हुआ है। सामने की तरफ यहाँ पे मैट फिनिश डिजाइन मिलेगा और यहाँ मिडिल में एक्सट्रीम 160R बैजिंग भी किया गया है। टैंक के साइड में यहाँ पे हीरो बैजिंग एंड एक्सट्रीम बैजिंग भी आप देख पाएंगे और ये जो हिस्सा है वो साइड पैनल तक एक्सटेंड हुआ है।
और यहाँ साइड पैनल में प्रोग्राम FI बैजिंग भी आप देख पाएंगे। रियर साइड में यहाँ पे ग्रे स्टिकर और यहाँ पे 160R बैजिंग भी मिलेगा। दोस्तों इस बाइक का पिलियन रैपर को यहाँ पे पैनल के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। टेल लाइट की तरफ देखे तो दोस्तों इस बाइक में एच शेप फुल्ली LED टेल लैंप्स देखने को मिलेगा और रियर इंडिकेटर्स भी यहाँ पे LED इंडिकेटर्स है। दोस्तों इस बाइक में वेल कुशन स्टेप टाइप सिंगल सीट मिलेगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का यूज हुआ है। यहाँ पिलियन सीट के सामने एक एक्स्ट्रा कुशन दिया गया है जिसके चलते ब्रेकिंग के टाइम पिलियन राइडर की तरफ ज्यादा मूव नहीं करेगा। इस बाइक में स्ट्रेट टाइप हैंडल बार के साथ नॉन बैकलिट वाला प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल मिलेगा। लेफ्ट साइड स्विच कंसोल में पास बीम, हाई लो बीम, हैजार्ड स्विच, इंडिकेटर एंड ऑन स्विच मिलेगा और राइट साइड में इंजन की स्विच के साथ ही एक ही स्विच में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच को दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ देखे तो इस बाइक में इन्वर्टेड LED इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल गेट सेट गो का एक वेलकम मैसेज भी दिखाता है। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM मीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल स्टेटस के साथ साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर एंड ABS इंडिकेटर मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बस गियर पोजीशन इंडिकेटर का कमी है। हीरो को इस फीचर्स को भी इस बाइक में देना चाहिए था। विल्सन टायर्स की तरह देखे तो दोस्तों इस बाइक में न्यूली डिजाइन 10 स्पोक वाला अलॉय व्हील मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में 100x80 साइज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इस बाइक का रियर व्हील में 130x70 साइज का ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प का इसी बाइक में आपको पहली बार रेडियल टायर मिलेगा और इस बाइक का रिम 17 इंच डायमीटर वाला है। 160cc स्ट्रीट बाइक सेगमेंट में एक्सट्रीम 160R वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। ये बाइक अभी Apache RTR 160, Yamaha FZ, Honda Express एंड Bajaj Pulsar NS160 से कम्पीट करेगा। तो दोस्तों ये था हीरो एक्सट्रीम 160R का एक डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट वॉकअराउंड रिव्यू। आपको ये बाइक कैसा लगता है, इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।